तो दोस्तों चल दिए हम बद्रीनाथ बाबा से अब आगे अपने सफ़र पे, और ये सफ़र है अब हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री का। तो ये यहाँ का रोडवेज है बद्रीनाथ का। मैं यहाँ से ऊपर माना गांव जाने वाला था, पर चाइना के इशू के चक्कर में वहाँ पे आर्मी ने बंद कर रखा है, आप से पार्किंग तक जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए वहाँ जाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। हम वहाँ फिर कभी देखेंगे। हाँ जी, भी हमें रोका था बट एंट्री हो गई है, मतलब एग्जिट हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं है। तो आप बादल देख रहे हो सामने, लग रहा है रास्ते में बारिश बारिश कुछ मिल सकती है, और इधर तो बर्फ़बारी का हिसाब बना हुआ पूरा, जैसे कि शाम तक बर्फ़ यहाँ पड़ जाएगी। और मुझे अभी निकलना है गंगोत्री, यहाँ से 450 किलोमीटर का रास्ता है लमसम। तो माना कि पार्किंग पे जाना और फिर वहीं से वापस आना, वो भी टाइम वेस्ट है थोड़ा। तो देखते हैं गंगोत्री कितने तक पहुँचते हैं जो भोलेनाथ की। तो यहाँ बद्रीनाथ महाराज के भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ये कुछ रखते हैं कि हाँ भाई सर के ऊपर ही पहाड़ है, तो ये कुछ व्यू रोड मुझे यहाँ की आके बहुत बढ़िया लगी। बराबर में खाई थी और नीचे अलकनंदा जी जा रही हैं अपनी। देखो यार ये मोड़ ही तो मज़ेदार लग रहे हैं। यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मुझे लगा था भाई साहब कि ये क्यों है भाई, सारे इनने सामान गीला कर दिया था, लेकिन अभी मैं इधर से लेके जाऊँगा, ऊपर से लेके नहीं जाऊँगा। मेरे पीछे के साइडल बैग्स इस पानी की वजह से गीले हो जाऊँगे जहाँ तक कल। पानी में अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी ताकि बैग गीले ना हो और कीचड़ कम से कम चिपके, बाकी तो रॉकेट है ही। क्या वादियाँ हैं, यह मुझे रात में देखने को मेरे को भी नहीं मिला था। मेरे को तो सिर्फ रोड दिख रही थी लाइट की वजह से, और मैं रोड पे ही ध्यान था बस, बाकी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। और ये देखो रास्ता टूटा हुआ है, ऐसा क्या होगा शायद इतना बड़ा पत्थर बीच में। ऐसा मुझे एक और जगह मिला था, मैं हैरान हो गया था, सड़क पे इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे रखे हुए हैं ये। तो ये जो बजरी सी होती है ना रेत वगैरह, ये दिक्कत करती है मोड़ने में। ऊपर आते हुए तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन नीचे जाते हुए काफ़ी होती है। ये पानी की जो हल्की हल्की वो मिलती है ना, यही साइड बैग्स में चिपक जाती है बस, यही गंदी लगती है यहाँ तो। ये तमाम कीचड़ है, खैर कीचड़ ना हो यहाँ, अगर पानी का छिड़काव ना हो अच्छे से तो पूरा रास्ता धूल धूल ही होता रहे। यहाँ जब भी कोई गाड़ी निकलती है धूल की बारिश करके चलती है। फिलहाल हम साइड से निकालते हैं, यहाँ थोड़ा सूखा है। तो कब तक साइड से निकालोगे बेटा, गीले में पाओगे ही। चलो तो कुछ जने गलती कर देते हैं पहाड़ पर नीचे उतरते हुए कि अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं पेट्रोल बचाने के लिए, बट ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक गियर और क्लच के कंट्रोल में रहेगी गाड़ी तब तक स्पीड आपके कंट्रोल में है। जहाँ आपने गाड़ी बंद कर दी वहाँ स्पीड का कोई कंट्रोल नहीं है। और मान लो आपने ब्रेक लगाई हुई, ब्रेक देर से लगी या स्पीड ज़्यादा ही तेज हो गई फ्लो के साथ, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट्स
काफ़ी होते हैं। तो या तो टंकी बिल्कुल खाली हो रही हो, रास्ता आपको बताओ अच्छे से भाई कहाँ कौन आ सकता है, कहाँ क्या है, तो एक बार को ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओम नमो नारायण। अरे बाबा कहाँ लेके आ रहे हो, अरे मारो किका। क्या नज़ारे हैं भाई, गाजियाबाद 515, श्रीनगर 184, ऋषिकेश 287, दिल्ली 540 और बहुत तो हमें चलना है। श्रीनगर अभी 184 किलोमीटर का रास्ता है। शिवालिक बोले जय बद्री विशाल, क्या कहने, ऋषिकेश 284, चमोली 84। ओके, तो कल चमोली से ही हम इधर आए थे, तुंगनाथ बाबा से जब वापसी में आए थे तो चमोली होकर ही यहाँ उड़े थे, हमें रुद्रप्रयाग तक नहीं आना पड़ा था। वैसे आप सीधा आओगे तो आप रुद्रप्रयाग से ही होते हुए आओगे, तो अभी हमें शायद सीधा रुद्रप्रयाग वाली रोड पर निकलना पड़ेगा जहाँ तक, क्योंकि रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जाएंगे या बाकी कोई और सीधा रास्ता हो तो पता नहीं भाई, भगवान जाने। फिलहाल अभी रास्ते में जोशीमठ पड़ेगा पहले तो। अरे धीरे चलो बच्चा, पत्थर आ गए तगड़े। ये महादेवाय नमः शिवाय। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं भैया रास्ते में, रात में अगर किसी का ध्यान नहीं गया तब गाड़ी पलट सकती है इससे, अगर कोई तेज स्पीड में आ रहा हो तो। ये देखो भाई साहब क्या क्या पत्थर है, ये लैंडस्लाइड से ही गिरे हैं ऐसे ही रखे हैं, ये तो पूरी जमीन ही धसक गई लग रहा है। क्या पहाड़ है भाई साहब, अलग ही है, हर एक पहाड़ यहाँ का अलग है। वैसे इतना डिफरेंस मैंने एक साथ आसपास के पहाड़ों में यहीं पे देखा है अभी तक तो। शिव शंभु जय जय त्रिपुरारी, जटा जूट में गंगा नारी, भक्त लगाए आस तुम्हारी जय जयकार। शिव शंभु जय जय त्रिपुरारी, जटा जूट में गंगा नारी, भक्त लगाए आस तुम्हारी जय जयकार। शिव शंभु तुम्हारी जय जयकार। तो ये फिर से रास्ता बंद, चली जाएगी। तो ऐसे रास्ते बंद मिलते रहते हैं सर। यार हम तो निकल गए बाबा, लग तो अच्छा रहा यार, बेहम ही लग रहा मुझे तो कोई। क्या हो गया भैया, स्टार्ट नहीं हो रही। एक बार एक काम करो, बाइक को ढलान पे धकेलते हुए पहले या दूसरा गियर में लगा के स्टार्ट करो। वही से उसी से उतरे आधा रास्ता। अच्छा ऐसा ही हुआ है, तो फिलहाल ऐसे ही करना पड़ेगा, मैकेनिक को दिखा लेना फिर आगे। मुझे लग रहा है परसों हो सकता है, तो ही थोड़ी आगे जोशीमठ में मिल जाएगा। जोशीमठ में ना, हाँ फिलहाल तो वही धक्का देकर ही करना पड़ेगा। जोशीमठ का, अरे फ्लो बना के चलाते रहो, जोशीमठ कहाँ रह गया 2 घंटा।
अरे भैया कोशिश छोड़ो, ऐसे ही स्टार्ट कर लो, आगे मिस्त्री को दिखा लेना, टाइम वेस्ट मत करो अपना, होनी होती तो हो ही जाती। नहीं आगे जा रहा हूँ मैं भी। कोशिश करना कि बंद ना हो गाड़ी जब तक मिस्त्री पे ना पहुंच जाओ, ठीक है? ऑल द बेस्ट, जय बोले की। तो फिलहाल ऐसा ऊपर झाड़ियों वाला रास्ता भी आता रहे ना ये ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बारिश की बूंदें नहीं पड़ेंगी। ओह हो हो हो, क्या ऑफ रोड है भाई, ओए आए और रे और रे और रे और बेटा कीचड़ तो सनी गया आज, कीचड़ से तो ना बचा सके तू, और अच्छे से सन आज तो, क्योंकि बारिश हो गई आज सारी रास्ते कीचड़ मिलेगा। कल जगह रहे यहाँ बारिश नहीं है बाबा, मतलब यहाँ बहुत हल्की है। निकल गया भाई, मेरी बाइक मुझे इसलिए बढ़िया, अरे भाई हम भी इधर गिर गए यार, पता नहीं यार वैसे तो गिरती नहीं, आज ही गिरी है। चलो यही मुलाकात होनी थी इसलिए गिरवा दिया। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। नहीं 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 कुछ नहीं भाई। अरे यार कुत्ता आ गया, हम भी बच गए यार। यहाँ पे अभी मेरी स्पीड थोड़ी तेज थी या जो भी कह लो, मोड़ पे रेत ज्यादा हो गई, बाइक स्लिप हो गई और गिर गए। ये अपने भाई मिल गए, बद्रीनाथ पे भी मिले थे, केदार और तुंगनाथ बाबा पे भी मिले थे, तो अब साथ ही चल रहे हैं गंगोत्री। तो लंबा टूर है, एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, चलते हैं फिर मिलते हैं रास्ते में, जय बाबा की। यहाँ रेता काफ़ी था इसलिए बाइक स्लिप हो गई। अब यह घबराने वाली बात तो खैर कोई नहीं है, बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। बस अब मुझे जोशीमठ पहुँचना है पहले, क्योंकि बाइक का जो मेरा गियर का वो है, गियर चेंज करने वाला जो होता है वो थोड़ा मुड़ गया है, तो मुझे गियर डालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन गियर उतारने में दिक्कत होगी, और ये दिक्कत बहुत बड़ी है पहाड़ पे, तो मुझे पीछे वाले से को ऊपर करके ही उतारने पड़ेंगे और पीछे वाले को ही नीचे करके गियर डालने पड़ेंगे। चलो ये भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ। बाबा की कृपा थी, बाकी अपनी सेफ्टी पूरी थी अपने साथ, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। मेरी अगर जैकेट नहीं होती जहाँ तक, तो हाथ पूरा छिल जाता अच्छे से। हाँ धूप मिल रही है, बारिश नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन हम रुकेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी। कुंगरा वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, ओके।
साइकिल या रास्ता यहाँ से कटता है। ये देख रहे हो कैसे काम होते हैं, उसी के चौवन जो सीमेंट बारह सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये रोड जब बन जाएगी पूरी बहुत बढ़िया लगेगी। ये कैसे बन रहा है, भाई जी तो हम तो नहीं बना रहा भाई। कोई पत्थर होता टूट रहा क्या? जाली ऊपर जाएगी तो इसलिए रोक रखा है। ओके अच्छा वो खड़े हैं बंदे ऊपर, क्या बात है भाई। केदारनाथ बाबा का बद्रीनाथ बाबा का दोनों रूट पर बहुत तगड़ा काम चल रहा है और देखो यार ट्रक में पूरी जगह घर सकती है। सारी जालियाँ ऐसे लगेंगी पहाड़ पे ताकि कोई पत्थर या कोई लैंडस्लाइड वगैरह ना हो पाए। बढ़िया काम हो रहा है। इससे पहाड़ अपना एक जगह टिका रहेगा। जालियाँ भी काफ़ी हैवी होंगी, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होंगी क्योंकि जब गवर्नमेंट लगवा ही रही है तो बढ़िया काम ही करवा रही होगी। जो भी टेंडर लेने वाला होगा काम अच्छा ही करके देगा। भाई साहब कहाँ चढ़ी गई ऊपर, ये अरे भैया इतना बड़ा पहाड़। फाइनली जोशीमठ वाला पुल आ गया, 9 किलोमीटर रह गया अब जोशीमठ। ओम नमः शिवाय। पास से देखो, वैसे तो हमने जाते हुए भी देखा था। वैसे दिल्ली रह गया 510, गाजियाबाद 486, श्रीनगर 153, तो यानी 186 से हम 153 पर ही आए हैं अभी। चलो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ यार। जय भोले बाबा की। सारा मिलिट्री पुलिस का एरिया है और इधर सिविल हम अभी जोशीमठ में है। हमने जोशीमठ क्रॉस कर दिया है, अब श्रीनगर 146 रह गया है, 13 जून 293, दिल्ली 503 है यहाँ से। क्या बात है, आर्मी वालों के चलाते हैं इसे। मैं फटाफट जल्दी जल्दी आ गया था उधर प्रयाग और यहाँ से मैं चल गया हूँ श्रीनगर की तरफ
और रास्ते में कहीं गंगोत्री की तरफ रास्ता कटता है तो मैं वो पकड़ूंगा, नहीं तो श्रीनगर से ही मिलेगा जहाँ तक। रास्ते में धूल मिट्टी काफ़ी थी, बाकी रास्ते में कोई ऐसा कुछ देखने वाला भी नहीं था खास, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ ही रखा। अब अपना गंगोत्री की तरफ चलते हैं। ये भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। तो रुद्रप्रयाग से अपना श्रीनगर की तरफ जाते थे, अब रोड बिल्कुल सही मिल रही है। बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग आते हुए तो 60-40 का हिसाब था, 60% रोड तो सही मिली बट 40% बहुत ख़राब थी। और बाकी देखते हैं अब यहाँ से श्रीनगर तक कैसा रहता है और श्रीनगर से आगे फिर गंगोत्री का कैसा रहेगा। बाकी अगर अंधेरा हो गया तो मैं रास्ते में कहीं रुक रुका के अपना स्टे कर लूँगा, अगर रोशनी रहती है तो हम चलते रहेंगे, बाकी जैसी बोले बाबा की मर्ज़ी। तो यहाँ थोड़ा गर्मी सी लग रही है जैकेट पहन के, और बाकी देखते हैं जैसी बाबा की मर्ज़ी रहती है। श्रीनगर जाते हुए काफ़ी देर से ये दिख रही हैं, और ये वही रुद्रप्रयाग वाली गंगा जी हैं या कोई और लेक है समझ नहीं आ रहा मुझे। फिलहाल लगा अच्छा रहा देख के। और यहाँ का रास्ता थोड़ा बहुत ही ख़राब था, बाकी तो सब सही है, ऐसे ही रोड है जैसी ये दिख रही है अभी। मुझे लग रहा है ये हम यही आगे जाके टीरी वाली लेक बनती है, बढ़िया लग रही है। तो रुद्रप्रयाग श्रीनगर से रुद्रप्रयाग आते हुए पहले ये पड़ी होगी, अंधेरे में मैंने ध्यान नहीं दिया होगा या मुझे खुद ही पता नहीं चला होगा, क्या कहने यार। और रास्ते भी अच्छे हैं, ट्रेन का ऐसा जाम। फिलहाल हम तो निकल जाएंगे जहाँ तक, लेकिन ये लोड हो ही गया तो फिर खाम खाई की जल्दी क्यों करना। निकले क्या? जय हो भोलेनाथ, क्या कहने। बूम बूम बूम। आगे वाला मुझे पीछे मुड़ के देख रहा था अभी।
लेक का व्यू इतना बढ़िया आ गया ना, क्या कहूँ बस मैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। पता नहीं कौन सी झील है, ट्रक बाबा आ रहे हैं भाई, कह रहे हैं रुक जाओ। ट्रेन भी आ रही है, शहर में इस रास्ते तो पता नहीं आया नहीं आया। दोस्तों अभी हम श्रीनगर क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से हमें वही टीरी वाला रूट पकड़ना है अपना, और अब अंधेरा हो चुका है। मैं देखूँगा जब तक मुझे चलाना ठीक लगेगा मैं तब तक चलाऊँगा, उसके बाद अपना कहीं ना कहीं रूम वूम लेके आज नाइट स्टे करूँगा, फिर कल मॉर्निंग में देखेंगे। अंधेरा तो होने ही वाला है लगभग पूरी तरीके से। तो देखते रहिए।